जब हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं रूसा से, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान सकते? क्या जल्दी है तुम्हें? मामा, जब आप लोग मान गए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे हमारा निकाह हो जाए, और बहुत सादगी से, प्लीज। मॉम, मान लेना जो भाई कह रहे हैं। चॉइस तो एक्सेप्ट कर ही लिए ना इनकी, तो बस जो कह रहे मान ले। क्या पता भाई ने कमिटमेंट कर लियो। ये सच बोल रहे हो? जी मामा, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। मॉम, आपको क्या प्रॉब्लम है? बस जो वो कह रहे हैं सुन लेना। पहले क्या बात किया, करनी तो है ही। हाँ, मान गई हूँ ना, मैं मान गई हूँ। जब पूरा खानदान तैयार है, हाँ कर दिए, मुझे प्लीज प्लीज क्यों कर रहे हैं? फैसले तो सब कर लिए आपने, तुम भी अब अपने भाई की फेवर कर रहे हो, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो आप मान गई? हाँ मैं मान गई हूँ, यही ना बात। कांग्रेचुलेशंस भाई, बस मान गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द फेवर। यू वेलकम। एक मिनट, तुम्हारी फेवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी मर्जी मनवाने में आसान हो जाए। अब देखूंगी कौन मुझे राहिल से शादी करने से मना करता है, कौन रोकता है। भाई, सबसे बड़ी फेवर तो आप बनेंगे मेरी। बोलो अब। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या क्या जहर भर रही हो तुम बच्चों के दिमाग में, बोलो। नहीं, मैंने सलीम कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये पूछ रही थी आप कहाँ गायब थे। वो लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या बात हुई चेयरमैन साहब से? वो कौन आ रहा है साइमा का बार बार पूछ रही है वो? अरे कौन आ रहे साइमा के बार बार पूछ रही है वो? अरे तुम्हारी बड़ी साइमा की हमदर्द, पहले तो तुम उसे कहती थी कि ये रकम का मुतालबा ना किया करो, और अब उसे रकम देनी है? कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही कुछ मेरे पास है। कान खोल के सुन लो, पर ये हिसाब किताब मत करना इंदा मेरे साथ, और ना तुम्हारे भाई के घर छोड़ाऊंगा तुम्हें। वो सेहतमंद, बेशरम, बेहया, अपनी बहन का हक आ गया और तुम उससे पूछते हो? उससे क्या खा जाओगे आंखों से?